मंतिक को फलसफा। शागिर्दों ने उस्ताद से पूछा, पैराडॉक्स से क्या मुराद है? उस्ताद ने कहा, इसके लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। दो मर्द मेरे पास आते हैं, एक साफ सुथरा और दूसरा गंदा। मैं इन दोनों को मशवरा देता हूँ कि वो गुसल करके पाक को साफ हो जाएं। अब आप बताएं कि उनमें से कौन गुसल करेगा? शागिर्दों ने कहा, गंदा मर्द। उस्ताद ने कहा, नहीं, बल्कि साफ आदमी ऐसा करेगा, क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे को सफाई की कदरों कीमत मालूम ही नहीं। अब बताएं कि कौन नहाएगा? बच्चों ने कहा, साफ आदमी। उस्ताद ने कहा, नहीं, बल्कि गंदा नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की ज़रूरत है। बस अब बताएं कि कौन नहाएगा? सब ने कहा, गंदा। उस्ताद ने कहा, नहीं, बल्कि दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ आदमी को नहाने की आदत है, जबकि गंदे को नहाने की ज़रूरत है। अब बताएं कि कौन नहाएगा? सब ने कहा, दोनों। उस्ताद ने कहा, नहीं, कोई नहीं, क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं, जबकि साफ को नहाने की हाजत नहीं। अब बताएं कौन नहाएगा? बोले, कोई नहीं। फिर बोले, उस्ताद, आप हर बार अलग जवाब देते हैं और हर जवाब दुरुस्त मालूम होता है, हमें दुरुस्त बात कैसे मालूम हो? उस्ताद ने कहा, पैराडॉक्स, मुगालता, यही तो है। दोस्तों, आजकल अहम ये नहीं कि हकीकत क्या है, अहम ये है कि मीडिया और आलमी पॉलिसी साज़ इदारे किस चीज़ को साबित करना चाहते हैं।